How to give your Facebook channel access to someone's other ID. Welcome to the channel guys, my name is Gurmeet and I am your performance marketing consultant. So आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर let suppose आपका एक YouTube चैनल है और आप चाहते हो कि आप without अपनी जो personal ID जिससे आपने उसको क्रिएट किया है, उसके बाद आप उसके बाद भी आप उसको किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, तो मैं आज आपको एक वे बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप इसको इजीली कर सकते हो. सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स जंप इनटू आवर कंप्यूटर स्क्रीन. और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मैं उनको बोल देता हूँ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आपको इसी से अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऐसे कंटेंट देखना है तो. ओके सो एज यू गाइस कैन सी अभी हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, ठीक है. और सो इट्स अ लिटिल अपडेट, कुछ लोगों ने अपडेट किया था, मैंने क्वेश्चन पूछा जिसमें कुछ लोगों ने बोला गूगल एड्स से रिलेटेड उनको वीडियो में अभी तक 56% मेरे को आ चुके हैं. आई जस्ट वेट फॉर टू मोर वोट्स और जैसे मेरे को वोट्स मिल जाएंगे बेसिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी उसी के ऊपर बना दूंगा. तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से इसको करते हैं. ओके तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने होम पर जैसे आप आओगे तो आप अपने एड्स अकाउंट पर यहाँ आ जाओगे. एड्स अकाउंट पर आने के बाद में अब आपको क्या करना है, आप सिंपली अपने सेटिंग्स के अंदर जाना है. तो सेटिंग्स के अंदर जाने के लिए आप क्या करोगे, आप स्टूडियो में एंटर होगे. स्टूडियो में एंटर होने के लिए आपको गूगल स्टूडियो जो है उस पर आप क्लिक करोगे. यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अभी आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन जो है वो इट इज शिफ्टेड मी टू द ओके. सो अभी आप देख सकते हो हम यहाँ पर आ चुके हैं. यहाँ पर आने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली क्लिक करूंगा सेटिंग्स पर. सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद में जब हम सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ठीक है. जर्नल, चैनल, अपलोड डिफॉल्ट्स, परमिशंस, कम्युनिटी और एग्रीमेंट्स. तो हम परमिशंस पर क्लिक करेंगे. मैंने जो परमिशंस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है. सो और दूसरा होता है आप यहाँ से मूव कर सकते हो परमिशंस को. तो आप इन दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन जैसे आपको लेके चलना है तो आप इसको मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या है. कंटिन्यू योर ब्रांड अकाउंट टू ऐड अ चैनल परमिशन, यू कैन असाइन पीपल वन ऑफ टू रोल्स इंक्लूडिंग ओनर और मैनेजर, ठीक है. आप इसमें से कोई भी दो ऑप्शन दे सकते हैं. यहाँ पर आप परमिशंस के काफी सारे रूल्स को मूव कर सकते हो. मैनेजर हो गया, एडिटर हो गया, लिमिटेड व्यूअर, एंड व्यूअर लिमिटेड, इस तरीके से आप दे सकते हो. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या एक्सेस देना है और क्या आपकी नीड है. सो इन माई केस प्रोसेस दोनों का सेम ही रहता है, आपको केवल इसमें रूल्स को जो है वो असाइन करना होता. तो मैं मैनेज परमिशंस में क्लिक करूंगा. मैनेज परमिशंस पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो मैनेज परमिशंस का मेरे को ऑप्शन आ गया. मैं सिंपली क्लिक करूंगा मैनेज परमिशंस पे अगेन और अभी यहां से मेरे को बोलेगा कि आपको सबसे पहले अपने अकाउंट का जो है वो लॉगिन यहां पर करना है, ठीक है. तो मैं क्या करने वाला हूं, एक बार फिर से अपने अकाउंट को लॉगिन करूंगा. और इट्स लाइक क्योंकि कभी कोई आपके अकाउंट को मिसयूज ना कर ले इसलिए आपसे ये चीज़ को पूछ रहा है, ठीक है. और एंटर पर क्लिक करने के बाद में अभी आप देख सकते हो कि मैं साइन इन कर रहा हूँ. उसमें साइन इन करने के बाद में इट इज़ आस्किंग मी कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर जो है वो 71 को जो है वो क्लिक करूँ. ओके सो ये मैं प्रोसेस सो अभी आप देख सकते हो मैंने अपना प्रोसेस लॉगिन वाला जो सारा कंप्लीट कर लिया है. अब हम क्या करेंगे, मैनेज परमिशंस पे मैं क्लिक करूंगा. मैनेज परमिशंस पे आप लोगों को भी क्लिक करना होगा. अभी आप देख सकते हो प्राइमरी ओनर इस पे मैं हूँ, मैं इस पे प्लस पे क्लिक करूँगा और उसके बाद में मेल आईडी को डाल दूंगा. तो मैं अभी क्या करूँगा, डेमो के लिए अपने दूसरे अकाउंट को आप लोगों के सामने इसमें लॉगिन एक्सेस दिखा देने वाला हूँ. ठीक है सो मेरी मेल आईडी में इसमें एंटर करूंगा. एंटर करने के बाद में और मैं चूज रोल पे क्लिक करूंगा और मेरे पास ये यहाँ पर कुछ तरीके के रूल्स हैं. सो मैं करता हूँ मैनेजर का इसको रूल देता हूँ और रोल देने के बाद में मैं इनवाइट पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर डन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग क्या करनी है आपको, अगर आप एक्सेस ले रहे हो तो, और अगर आप एक्सेस दे रहे हो तो आपके यहाँ का यहाँ पर आकर आपका काम जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है. लेकिन अगर आप एक्सेस ले रहे हो तो इन दैट केस आपको यहाँ पर गूगल माई बिजनेस के अंदर आप देख सकते हो आपको मैनेजर एक्सेस के लिए आया. आप यहाँ से उस पर क्लिक करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे आप इन्विटेशन को, ठीक है. सो दिस इज हाउ आप इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है. और कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप लोगों को अपना हमारा जो चैनल है उसको गूगल एड्स कनेक्ट करना है तो कैसे करें, तो मैं आई बटन में वीडियो डाल दूंगा. वीडियो पहले बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हो. और इसी तरीके कंटेंट अगर आपको मेरे चैनल पर देखना है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो. वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी कर सकते हो. मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग.